हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपको पता होगा मेरे घर के पास में ये एक छोटा सा मंदिर है। बस को जाने दो। ये जो मंदिर है ना, यहाँ पर आज इन्होंने कुछ झंडे वगैरह लगा के रखे हैं। और ये पेंटिंग देख रहे हो आप, पता नहीं क्या चीज़ है ये, बट अंदर देखो यहाँ पर किसी ने प्रसाद चढ़ा के रखा है, केले और मौसम भी है शायद मेरे हिसाब से। हाँ, तो ये प्रसाद चढ़ा के रखा है भगवान को आज किसी ने, तो हम भी पैर पड़ लेते भगवान के आज यहाँ पर। ये देखो पप्पा अपने बच्चे को एकदम बढ़िया साइकिल में धक्के ले जा रहे हैं। ठंडी बहुत चल रही है ना अभी, तो यहाँ पे जो साइकिलें होती है उसके ऊपर बढ़िया ऐसे कवर लगी होती है। सामने सीट होती है और एक पीछे सीट होती है, यूजुअली मम्मी यहाँ पे यूज़ करती है, बट ज़्यादातर जो डैडी लोग होते हैं वो भी इस तरीके की साइकिलें यहाँ पे यूज़ करते हैं। दोस्तों कल हम गए थे चीचीबू डिस्ट्रिक्ट में, जो कि टोक्यो में एक डिस्ट्रिक्ट है। जैसे हमारे इंडिया में जिला होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, वैसे यहाँ पे एक चीचीबू नाम का डिस्ट्रिक्ट था। कल मैंने कॉलेज को छुट्टी ली थी, मेरे दोस्त ने कन्विंस किया था मुझे कि यार कहीं घूमने के लिए जाते हैं, तो कल मुझे छुट्टी लेना पड़ा था और हम उस डिस्ट्रिक्ट में गए थे घूमने के लिए। बहुत ही बढ़िया व्लॉग्स वहाँ के थे, तो अगर आपने अभी तक वो व्लॉग जाके नहीं देखे हैं तो उसके लिंक नीचे दे दूंगा, आप ज़रूर जाके वो देखिएगा। आज है दोस्तों मंडे और मंडे को है नेशनल हॉलीडे, तो सैटरडे संडे मंडे तीन दिन यहाँ पे कंटिन्यूस छुट्टी थी। तो सैटरडे को तो मैंने कॉलेज किया था, संडे को हम घूमने के लिए गए थे, और आज है मंडे जो कि छुट्टी है। और आज हम जा रहे हैं एक कॉफ़ी शॉप में, तो घर में तो कॉफ़ी पी पी के मैं पक गया, वही मेरी रोज़ की बोरिंग सी कॉफ़ी सस्ती वाली। तो आज हम जाने वाले हैं टोक्यो के एक यूनिक कॉफ़ी शॉप में। हाँ दोस्तों, आपने काफ़ी उसके रील्स भी देखे होंगे, मैंने भी वो रील्स देखे हैं, और मैं आज तक कभी वहाँ पर गया नहीं हूँ। तो आज मैं आपको उस यूनिक कॉफ़ी शॉप में ले जाने वाला हूँ, और वहाँ पर उस कॉफ़ी शॉप में मैं आपको एक नए गेस्ट से भी मिलाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं। पान में चलती है टोयोटा की टैक्सी, हर जगह आपको टोयोटा ही टोयोटा दिखेगा। यहाँ पे बेकरी शॉप है, क्या नाम है इसका, फ्रांस, वीए दे फ्रांस, बहुत ही फेमस है। पहुँचिए अभी हम हमारे नौगाता स्टेशन पे, और अभी दो मिनट के बाद में हमारी ट्रेन है ताकादानो बाबा के लिए। आ गई हमारी लोकल ट्रेन सेबू शिंजुकू। बैठते इसके अंदर, आए थे फुल लग रहे हैं मुझे आज ये पूरी। For Ikebukuro and Ueno will soon arrive. Please stand behind the yellow line. हमने अभी दूसरी लाइन चेंज की है ताकादानो बाबा स्टेशन पे, अभी हम आए हैं, और यामानोते लाइन जो यहाँ की सबसे बड़ी लाइन है वो अभी हम लेने वाले हैं। जहाँ पे हमें अभी कॉफ़ी शॉप में जाना है वो हमें यहाँ से निकलना है। फाइनली हम पहुंच गए हैं ओकाची माची स्टेशन, जहां पर ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉफ़ी शॉप है। और ये बहुत ही छोटा स्टेशन है, तो ज़्यादा कुछ यहां पे एग्ज़िट है नहीं, दो ही एग्ज़िट है, नॉर्थ और ईस्ट वाला लेना है अभी ये नॉर्थ एग्ज़िट। इस स्टेशन के बाहर निकलते देखो यहां पे यूनिक्लो लगा हुआ है। यूनिक्लो तो आपको पता होगा जापान का सबसे बड़ा, ये तो काफ़ी बड़ा लग रहा है मुझे, ऊपर जियो भी है, और ये जापान का सबसे बड़ा क्लॉथिंग ब्रांड है। तो अभी तो हमारे पास टाइम है नहीं बिल्कुल यहाँ पे जाने के लिए, बट आप आ रहे हो जापान में घूमने के लिए, शॉपिंग वगैरह करोगे तो कपड़े आप ज़रूर यूनिक्लो से ही खरीदेगा। और देखिए ओकाची माची स्टेशन काफ़ी मुझे बड़ा लग रहा है, पहली बार आया हूँ मैं स्टेशन पे, और यहाँ पे भीड़ देख लो लोगों की। और ये सामने आप देख रहे हो एक मार्केट, ये पता नहीं कौन सा मार्केट है, बट अभी तो टाइम है नहीं हमारे पास, अभी तो हमें कैफ़ी शॉप निकलना है जल्दी से, बट अगर टाइम मिले तो हम इस मार्केट में भी ज़रूर जाएँगे। दोस्तों इसी स्ट्रीट पे हम वो कॉफ़ी शॉप ढूंढ रहे हैं, और आप देख रहे हो लोगों की भीड़ यहाँ पे कितनी हो गई है। ये पूरा स्ट्रीट मार्केट है, यहाँ पे आपको बहुत ही छोटे छोटे दुकानें मिल जाएंगे,
हर चीज़ की दुकानें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, खाने से लेके सब्जियों से लेके और भी आपको कुछ अगर ख़रीदना है यहाँ पे सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैं आज तक यहाँ पे कभी आया हूँ नहीं, आज फर्स्ट टाइम इस स्ट्रीट मार्केट में आया हूँ मैं। यूजुअली जापान में स्ट्रीट मार्केट काफ़ी कम होते हैं, काफ़ी स्पेसिफिक जगह पे होते हैं। एक यहाँ पे वन ऑफ द स्ट्रीट मार्केट है, जैसे हमारे इंडिया में नागपुर में मुझे पता है बरडी में एक एरिया है, वो स्ट्रीट मार्केट बहुत ही फेमस है। मैं नागपुर में जब पढ़ाई करता था ना तब ऐसी स्ट्रीट मार्केट वहाँ पे हुआ करते थे, और विंडो शॉपिंग जैसे आप कर सकते हो यहाँ पर भी। ये देखो सब यहाँ पे विंडो शॉपिंग ही है, काफ़ी सस्ते सस्ते आपको यहाँ पर कपड़े चपड़े सब मिल जाएंगे, लोग ऐसे तरीके से अभी खरीद रहे हैं। दिल्ली में भी सरोजनी मार्केट है ना, ऐसे ही होता है शायद, स्ट्रीट मार्केट है। देखो हज़ार हज़ार येन में सब कपड़े अच्छे अच्छे ब्रांड के लगे हुए यहाँ पर। तो चलिए थोड़ा आगे जाते हैं और ढूंढते हैं हमारा कॉफ़ी शॉप कहाँ पर है। तो यहाँ भी ABC मार्ट है, ये जापान का सबसे बड़ा बोल सकते हो कि जूतों का स्टोर है। और यहाँ पे देखो रोड पे इस तरीके से सारे ब्रांडेड जूते छूते हैं इन्होंने बेचने के लिए रखे हुए हैं। काफ़ी फेमस मुझे रेस्टोरेंट लग रहा है, जापनीज स्टाइल, लोग यहाँ पे लाइन लगा के वेट कर रहे हैं खाने के लिए। क्या मिल रहा है यहाँ पे इतना फेमस? ओह ये हमारे भाई यहाँ पे, इनका हम वेट कर रहे थे अभी। अंकित भाई कैसे हैं? हेलो 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 अंकित, हाय 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 हाय। सो लो द मोस्ट अवेटेड कोलैबोरेशन दोस्तों, ये है मामिनो हाउसू, और यहाँ पे इनके कुछ लगे हुए हैं बोर्ड जापनीज में है, आप पढ़ पा रहे होंगे। इनके जो मेनू वगैरह सब यहाँ पे लगे हुए हैं, रेट वगैरह जो भी है, और ये इनका एंट्री गेट है। तो चलिए जाते हैं अंदर, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे कॉफ़ी शॉप। चलिए चलिए, ये फर्स्ट खुल नहीं रहा है। अरे बंद कर दिया क्या, हमें आने नहीं दे रहे क्या? ऑटो बंद हो गया शायद। जो दोस्तों जापान में जितने भी कॉफ़ी शॉप होते हैं आप जाके बस कॉफ़ी वगैरह पियो, खाओ पियो और वहाँ से निकलो, बट ये जो कॉफ़ी शॉप है ना यहाँ पे आप कॉफ़ी पीने के अलावा और भी कुछ एक्टिविटी कर सकते हो। कॉफ़ी पीते पीते आप यहाँ पे मसाज भी कर सकते हो। वैसे तो हमने रिजर्वेशन कराया था, बट ये दीदी पता नहीं क्या बोल रही है, उनको वेट करने बोल रही शायद। अच्छा हेलो भाई, जूते रखने इसमें। ये दी दोस्तों उन्होंने हमें थैली, थैली क्यों दी है? क्योंकि हम लेने वाले हैं फूट मसाज कॉफ़ी पीते पीते, तो हमारे जो जूते हैं वो इस पन्नी के अंदर हमको रखना है। निकाल लेते हैं हमारे जूते, एक थैले में एक ही जूता आ रहा है, तो एक थैली एक्स्ट्रा और ले लेते हैं यहाँ से। फ्री में क्या? देखो दोस्तों यहाँ पे ये सब पानी है, गर्म पानी है मेरे हिसाब से, और ये सीट के अंदर ये देखो आप बास्केट है, इसके अंदर आप आपके जूते बैग वगैरह जो भी कुछ रख के इसको बंद कर सकते हो। और देखो कितना कूल है, और काफ़ी सारे फॉरेनर्स भी यहाँ पर बैठे हुए आप देख रहे हो यहाँ पर, और पीछे के साइड में भी। तो जो भी फॉरेनर्स आते हैं ना सबसे पहले वो रील देख के इस रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने के लिए और मसाज लेने के लिए ज़रूर ज़रूर आते हैं। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर ये है कि हमें इन्होंने टॉवल दिए, गर्म है मेरे हिसाब से हाँ, तो हमने सॉक्स भी निकाल लिए हमारे, तो इस गर्म टॉवल से हमको जो हमारे पैर है वो अभी ठीक से क्लीन करना है, क्योंकि अभी इसके अंदर हम पैर डालेंगे ना, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो प्ले पानी को क्लीन रखने के लिए हमको हमारे पैर अभी क्लीन करने पड़ेगा। तो चलिए पैर अभी, वैसे तो नहा के आए थे सुबह घर से, अभी पैर साफ कर लेते हैं, बैठते हैं इसके अंदर। ओ गर्म पानी है, काफ़ी गर्म है, पैंट थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, गीला हो जाएगा नहीं तो। ये यूज वाले टॉवल हमें इसमें रख देना है साइड में। ये है इनका मेन्यू कार्ड, फूट बाथ कैफे मेन्यू, तो यहाँ पे 45 मिनट्स का 1100 येन में आपको मिलेगा हर्बल टी, कॉफ़ी, साइलेंट टी, और एक्स्ट्रा आपको अगर चाहिए तो 550 इन देना पड़ेगा। और अलग अलग इनके मसाज भी है साथ में, तो आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। देखो आप यहाँ पे फोटो में भी देख रहे हो, बंदी बढ़िया सोई हुई है और पीछे उसका मसाज भी हो रहा है। और यहाँ पे देखो इन्होंने बढ़िया जैपनीज स्टाइल फ़ैन भी दिए, अगर आपको हवा खाना है। वैसे तो अभी ठंडी के दिन चल रहा है, बट इन्होंने बढ़िया देखो यहाँ पे फ़ैन दे के रखे हैं। तो दोस्तों लोगों का भी हो चुका है मसाज, अभी लगने वाला है हमारा नंबर। 1 2 3 कांपाई, जापानीज में चीज को कांपाई बोलते हैं, कांपाई।
तो ये दीदी आ गई है अभी मसाज करने। इन्होंने क्या पिलो दिया है, पिलो के ऊपर अभी सोना है। और ये दीदी अभी कर रही है मसाज, साइड रखना है उस पर। और नीचे आप देख रहे हो बढ़िया पानी के अंदर हमारे गरम गरम पैर है। कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? डर लग रहा है मेरे ऊपर गिर ना जाए, और दिक्कत हो जाएगी। नहीं गिरेंगे नहीं, डोंट वरी, हम है ना यहाँ पे। अभी नेक्स्ट है मेरा नंबर। वैसे तो हमने लास्ट वीक ही मसाज लेके आया था, आपने शायद व्लॉग देखा होगा। हम यहाँ के मसाज जो फिटनेस मसाज होता है वो लेने के लिए गए थे, बट ये कॉफ़ी शॉप में वो देते कॉफ़ी पीते पीते, तो चलिए आज भी मसाज करवा लेते हैं। तो मैं नीची जी मुनी के मास्टर कोई मसाज ले रहा, किसी के ऑफिस का कॉल आ गया। How's it? Best. Right. जो मैंने लास्ट वीक मसाज लिया था ना उससे बहुत बढ़िया है। चलो इसको पैक करवाओ। कुछ कह रहे देखिए तो तेरी वाली मसाज नहीं चुकी करा मसाज में मसूस हो मसूस हो अंसो मैं चुका हूँ बहुत स्लो समझता है बारे जो इन पे बहुत सारे कस्टमर्स हैं बहुत देखो लाइन दोस्तों हम 3-4 दिन पहले यहाँ के बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉफ़ी शॉप में गए थे, वहाँ पर हमने व्लॉग भी शूट किया था। वहाँ पर हम जापानी भाई यूट्यूबर है जापान में, योकोहामा में रहते हैं, वहाँ मैं उनको मिला था जाके, तो उनके साथ में मैंने बहुत ही बढ़िया दिन स्पेंड किया था, वीडियो भी शूट किया था। बट दिक्कत ये हो गई ना दोस्तों, तो बताऊंगा कि कुछ व्लॉग में आपने मेरा देखा होगा कैमरा टेम्परेचर के कारण वो बंद हो गया था, यानी काम नहीं कर रहा था, तो मैं कैमरे से शूट नहीं कर पाया, तो मैं फ़ोन यूज़ करता था। तो उस दिन वही हुआ मेरा, रात से मेरा ठंड यहाँ पे बहुत चल रही है, तो मेरा कैमरा ठंड के अंदर जब तक गर्म नहीं होता तब तक वो काम नहीं करता है। तो उस दिन दोस्तों मैंने मेरे कैमरे से शूट किया, मेरे फ़ोन के कैमरे से शूट किया उस दिन मैंने व्लॉग। जब तक हम वो कॉफ़ी शॉप के अंदर थे तब तक बहुत बढ़िया व्लॉग शूट हुआ, और जैसे ही हम उस कैफ़े से बाहर निकले मेरा जो माइक था वो बंद था, और मैं पूरा उसके बाद का जितना भी व्लॉग है पूरा शूट किया, बट ऑडियो उसमें नहीं आया। अभी मैं एडिटिंग करने बैठा था, आधा व्लॉग मैंने एडिट किया, और जब वो पार्ट आया जहाँ से हम कॉफ़ी शॉप के बाहर निकले एंड तक ऑडियो ही नहीं उसके अंदर। मुझे ना दोस्तों अभी इसे रोना आ रहा है कि क्या हो गया मेरे साथ, मैंने इतना मैंने व्लॉग अच्छा शूट किया आपको बताने के लिए उस दिन, और उसमें ऑडियो ही नहीं आ रहा है। ऐसे हो गया कि आप फुल तैयारी करके एग्ज़ाम देने के लिए गए हो, पूरा पेपर वगैरह आपने लिख लिया, घर आए फिर आपको क्लिक हुआ यार मैं तो रोल नंबर लिखना ही भूल गया, बस सेम मेरे साथ वैसा हुआ है आज। ये मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ, कॉफ़ी शॉप के अंदर बैठे हम, यहाँ तक ठीक चल रहा है, बस यहाँ से पूरा ऑडियो देखो आप बहुत आगे भी व्लॉग काफ़ी लंबा है, कहीं पर भी ऑडियो नहीं है पूरा। यहाँ पे हम ये जो स्ट्रीट मार्केट है वो भी मुझे आपको बताना था, ऑडियो नहीं है। आगे भी ये सी वीड हमको वहाँ दिखा था, वहाँ पे फिश मार्केट भी था काफ़ी सी फूड का, और ये ऑक्टोपस हमें बड़ा वाला वहाँ पे दिखा था रेड कलर का, देखो कितना बड़ा ऑक्टोपस है। अभी आप विदाउट ऑडियो देख लो मुझे ऐसे दिखा था, ये सी वीड है दोस्तों ग्रीन कलर का, ये बहुत लोग जैपनीज लोग खाते हैं। उसके बाद वही हम उस गलियों में घूम रहे थे, पर ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी, और एक ये गेम्स काफ़ी होते हैं जापान में स्ट्रीट में, यानी इसमें पैसे डालो आप और बॉल निकलता है उसके अंदर, जो मांगा एनीमे के स्टिकर्स और चॉकलेट्स वगैरह यहाँ पे निकलते हैं, तो बहुत जैपनीज लोग खेलते हैं उसको, जैसे देखो ये बंदी यहाँ पे खेल रही है उस गेम को पैसे डाल के। और उसके बाद में हम स्टेशन पे आए थे, और यहाँ पर हम जो भी हमको ज्वाइन किए थे जापानी भाई और उनके दोस्त भी साथ में आए थे, तो उनका मैंने इंट्रोडक्शन लिया था, और वो जापान में क्या करते हैं कितने साल से है वो सब बातें हमने वहाँ पर की थी। बट दोस्तों अनफॉर्चुनेटली ना इसमें ऑडियो ही नहीं है, यानी बहुत बुरा लग रहा है मुझे। बस फिर हमने काफ़ी देर तक वहाँ पे बातें की स्टेशन पे, और फिर वहाँ से हम निकल गए थे। दोस्तों अब कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास में,
ये विदाउट ऑडियो वाला पार्ट मुझे हटाना पड़ेगा, और जब तक ऑडियो है वो पार्ट में रखूंगा, और वो कल वीडियो आने वाला है तो आप वो ज़रूर जाके देखिएगा। और हाँ दोस्तों, जापानी भाई भी यूट्यूबर है जापान में, बढ़िया व्लॉग बनाते हैं, योकोहामा में रहते हैं, तो आप ज़रूर उनके चैनल पे जाइएगा, ज़रूर उनके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ मुझे आप ना अब कमेंट करके बताओ कि मैं कौन सा कैमरा खरीदूँ, क्योंकि जिस कैमरे से मैं अभी शूट करता हूँ ना, वो अभी ने मुझे धोखा दे दिया उसने एक बार, अब मैं फिर से धोखा खाना नहीं चाहता हूँ, फिर से मेरे साथ ऐसा नहीं हो। तो मुझे आप ज़रूर एक कमेंट करके बताइए कि कौन सा अभी रिसेंटली कैमरा अच्छा चल रहा है जो कि मैं खरीदूँ, आपके लिए बढ़िया बढ़िया जापान के व्लॉग्स बनाता रहूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।